दोस्तों हम लोग जितने इंडियंस हैं ना, ये सारे रिलायंस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेली बेसिस पर कहीं ना कहीं हर रोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और रिलायंस के बारे में क्या कहा जाए, तो आज इस वीडियो में हम लोग रिलायंस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि रिलायंस में अब अगला कौन सा लेवल होगा और क्या रिलायंस में अभी एंट्री करनी चाहिए, और फिर वो कौन सा लेवल है जहां से रिलायंस नीचे नहीं जाने वाला है। तो आज ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ रिलायंस के एनुअल रिपोर्ट्स भी हम लोग देखेंगे। पिछले 2-3 दिनों में आप देखेंगे तो रिलायंस के स्टॉक्स में 10% की बढ़त देखी गई है, और पिछले 2-3 दिनों में लगातार टॉप गेनर्स में रिलायंस दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पिछले 1 दशक में पेट्रोलियम की डिमांड जो है वो बिल्कुल हाई पे चली गई है। मतलब पिछले 1 दशक में जितनी डिमांड थी उन सभी से आज का डिमांड पेट्रोकेमिकल का बिल्कुल हाई लेवल पर चल रहा है। और एक जेनिफर नाम की ग्लोबल फर्म है जिन्होंने ये बताया है कि अगर ऐसे ही डिमांड्स हाई रहा तो आने वाले समय में रिलायंस इस लेवल से 45% तक का अप मूव दिखा सकता है। लेकिन इसमें खुश होने की बात नहीं है, इसमें ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। इसमें हमें ये समझना है कि हमें अभी एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी तरह 1 दशक में पॉलीमर्स का भी डिमांड बिल्कुल आज हाई लेवल पर पहुंचा हुआ है, और पॉलीमर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितने ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसमें 70% जो है पॉलीमर्स के सहायता से ही बनाए जाते हैं, पॉलीमर्स के ही उपयोग से बनाए जाते हैं। तो अगर इस तरह से लगातार डिमांड बनी रहे तो इसका असर रिलायंस पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलायंस में भी तुरंत एंट्री मार दें। अगर आपने 10 से 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर आपने कर रखा है, तब तो फिर आप इन्वेस्टेड रहो, आपको रिटर्न जरूर मिलेगा, इससे कहीं ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो या फिर चाहते हो कि साल या 2 साल में ही मुझे प्रॉफिट मिल जाए और मैं प्रॉफिट घर ले जाऊं, तो उसके लिए कुछ लेवल्स हैं जहां पर आप बाई करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वो लेवल भी हम आपको बताएंगे थोड़े टेक्निकल चार्ट पर जाने के बाद। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा एनुअल रिपोर्ट भी देखेंगे, और रिलायंस की जो अभी आपने बढ़त देखी है लगातार टॉप गेनर्स में दिख रहे हैं, तो इसकी वजह केवल यही थी कि पेट्रोकेमिकल और पॉलीमर्स का जो डिमांड है वो पिछले 1 दशक में आज सबसे ज़्यादा हाई पर है। बहुत ज़्यादा आज डिमांड बढ़ गई, और ये डिमांड अगर लगातार सस्टेन करता है तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोकेमिकल कंपनी के शेयर्स ऊपर जाएंगे, जिसमें रिलायंस सबसे आगे है। अब बात पॉलीमर्स की आई है, तो पॉलीमर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं। अपने हर दिन की ज़िंदगी में जो हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे आप मान लें कपड़े, रेडियो, टीवी, सीडी, टायर, पेंट, दरवाजे और चिपकाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है पॉलीमर्स के सहायता से ही बनाए जाते हैं। तो ये पूरे दशक में आज के डेट में पॉलीमर्स की जो डिमांड है वो बिल्कुल सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर है, जिसके कारण पेट्रोकेमिकल कंपनियों में बढ़त देखी गई है, और उसमें जो है रिलायंस सबसे आगे है। तो उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि आपको रिलायंस में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है आने वाले समय में। लेकिन आपको मैं टेक्निकल चार्ट पर समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या अभी रिलायंस में वाकई एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो पे आप बने रहें ताकि आप इस वीडियो का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेक्निकल चार्ट, वहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ लेवल्स के बारे में पता चलेगा जहाँ आप रिलायंस को खरीद सकते हैं, और फिर खरीदने के बाद वो लेवल जहां पर आप रिलायंस के स्टॉक को बेच करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और एक और लेवल मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मतलब कि 10, 12, 15 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो वो वैसा लेवल मैं आपको बताऊंगा कि जब तक उस लेवल के ऊपर रिलायंस का स्टॉक है तब तक आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे रिलायंस में आए दिन छोटे मोटे गिरावट क्यों ना आते रहें, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और आगे बढ़ने के क्रम में सबसे पहले हम लोग रिलायंस के
एनुअल रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम रिलायंस के एनुअल रिपोर्ट को देखेंगे और ये जितने भी फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे करोड़ में आपको दिख रहे हैं, ये सारे करोड़ में है। तो इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जितने भी सारे आंकड़े आपको दिख रहे हैं ये सारे करोड़ में है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्च 2021 यानी 2020 से 2021 के का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका रिपोर्ट भी आया हुआ है और हम इसका कंपेयर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था यानी कि 2019 से 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इनके सेल्स के जो आंकड़े थे वो 5,95,887 करोड़ का था, जो इस बार 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ मैं करंट फाइनेंशियल ईयर का इस्तेमाल करूँगा बोलने के क्रम में तो आप इस चीज़ को समझ लें, तो यहाँ करंट फाइनेंशियल ईयर में 4,66,924 करोड़ का सेल्स का आंकड़ा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 88,474 करोड़ था और जो करंट फाइनेंशियल ईयर में 80,737 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि सेल्स में भी गिरावट आई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गिरावट आई है, लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 39,354 करोड़ था, जो इस बार बढ़ करके यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 49,128 करोड़ हो गया है। तो ये बढ़त आई कहाँ से, जब सेल्स में गिरावट आई ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट आई तो फिर ये नेट प्रॉफिट में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई। तो ये मैं आपको बता दूं कि नेट प्रॉफिट में जो बढ़ोतरी आई है वो अदर इनकम से आई है रिलायंस को। अदर इनकम में 22,425 करोड़ का मुनाफा हुआ और पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इसका जो मुनाफा था वो 9,362 करोड़ का था। तो काफ़ी बड़ा जंप देखा गया अदर इनकम में, जिसने इसकी नेट प्रॉफिट के आंकड़े को काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया है। अब अगर पिछले 10 साल के आंकड़े को देखें तो पिछले 10 साल में 2010 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो 24,503 करोड़ था, जो आज के डेट में बढ़ करके 49,128 करोड़ है। तो इसको मैं बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं मानता हूँ, लेकिन रिलायंस के शेयर में पिछले कई दशकों से डिमांड लगातार बना रहा है, इसलिए रिलायंस के शेयर अच्छे रिटर्न्स भी देते आए हैं। और चूंकि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, तो रिलायंस पर लोगों का बहुत विश्वास है, एक आस्था है और रिलायंस में इन्वेस्टेड रहने के लिए कई लोग चाहते हैं कि रिलायंस में इन्वेस्टेड रहें। उसी तरह रिलायंस के अलावा इन्फोसिस, TCS, ये कुछ जाने माने कंपनी है जो नए लोग भी अगर स्टॉक मार्केट में आते हैं तो ऐसी ऐसी कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके कारण इसके ये सारी कंपनियों के जो स्टॉक्स की डिमांड है वो लगातार बनी रहती है और लंबे समय में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कई सालों में इन्होंने दिया भी है अपने इन्वेस्टर्स को और आने वाले 10-12 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना करके भी दे सकती है। अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आने की संभावनाएं हैं, ऐसे तो स्टॉक में डिमांड है ही, साथ ही साथ आज का जो मतलब पिछले 2 दिनों से हमने रिलायंस में बढ़ोतरी देखी है, ये लगातार टॉप गेनर में दिखाई दे रहा है। तो ये इसके साथ जो एक गुड न्यूज़ जो आया था कि पॉलीमर्स और पेट्रोकेमिकल के जो डिमांड्स हैं पिछले 1 दशक में सबसे ज़्यादा आज के डेट में इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ी हुई है, जिसके कारण रिलायंस जैसे शेयर्स के प्राइस जो है लगातार बढ़ रहे हैं और टॉप गेनर्स लिस्ट में दिखाई देने लगे हैं। तो ये थे एनुअल रिपोर्ट, जहां हमने आपको बताया कि इनकी परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों में कैसी रही है और आने वाले 10 सालों में भी उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही इनकी परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी। तो अब हम लोग चलेंगे यहां से टेक्निकल चार्ट पर और वहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि हमें अभी रिलायंस में एंट्री करनी चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। वैसे तो एंट्री करनी ही है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप कहीं भी एंट्री कर दीजिए, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है हर स्टॉक के प्राइस का, उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रिलायंस ऊपर चल रहा है और आने वाले 4-5 सालों तक उस सपोर्ट के ऊपर ही रहेगा। तो जब तक उस सपोर्ट लेवल के ऊपर रिलायंस का प्राइस है तब तक लंबे समय के निवेशकों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चाहे कितनी भी उतार चढ़ाव आ जाए
रिलायंस में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा टेक्निकल चार्ट इनका देख ले और उसमें हम आपको कुछ लेवल्स बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रिलायंस का चार्ट खोल लिया है और इसमें हम लोग देखेंगे उस लेवल्स को जहाँ पर हमें बाई करना है और उस लेवल्स को जहाँ पर हमें रिलायंस के स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट घर ले जाना है। तो सबसे पहले हम उस लेवल्स की बात करेंगे जिस लेवल्स के ऊपर रिलायंस का प्राइस बिल्कुल सेफ है और इस लेवल के नीचे जो है रिलायंस का प्राइस अभी आने वाले 4-5 साल नहीं जाने वाला है। यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको फिलहाल बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उनका सही एंट्री है रिलायंस में। आप बिल्कुल बने रहें रिलायंस में, लंबे समय में आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा रिलायंस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाला जो लेवल जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है रिलायंस का वो है 1319 रुपये का। तो 1300 रुपये राउंड फिगर में मान के चलें, 1300 रुपये के नीचे रिलायंस अभी आने वाले समय में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। इसके ऊपर जब तक रिलायंस का प्राइस है, रिलायंस के स्टॉक का प्राइस है, तब तक इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले 4-5 साल में ये जो लेवल्स है बिल्कुल रिलायंस के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और रिलायंस का प्राइस जो इस लेवल के ऊपर ही रहेगा और लगातार एक नया हाई भी बनाता जाएगा। तो अब बात करते हैं कि रिसेंटली क्या हमें रिलायंस में अभी के अभी एंट्री करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। तो ये जो है हमारा जो इसके ऊपर वाली जो लाइन है वो है 1910 रुपये का। अगर 1900 रुपये के आसपास आपको रिलायंस मिलता है तो आप बेझिझक एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी मैं अगर आप आपकी अगर आपका ये सवाल है कि अभी मैं एंट्री करूं या ना करूं, तो आप देख लें इसके ऊपर जो लाइन है 2212 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और रिलायंस का जो स्पॉट प्राइस यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 2153 रुपये का चल रहा है। तो 2153 रुपये पर अगर आप देन एंड देयर अगर एंट्री करते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऊपर जाने में मुसीबत को झेलना पड़े, यानी कि ये स्टॉक अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अगर आपको अभी एंट्री करनी है तो आप इंतज़ार करें 2212 के ऊपर। यदि रिलायंस जो है सस्टेन होता है, 2212 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो रिलायंस में एंट्री किया जा सकता है। अदरवाइज़ रिलायंस को 1900 के आसपास आ जाने दीजिए, बेझिझक एंट्री कर जाइए। अब हम उस लेवल की बात करेंगे जहां पर रिलायंस को आप बेच करके प्रॉफिट घर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बात की कि रिलायंस को कहां पर बाई करना है, तो रिलायंस को इस लेवल के आसपास यानी कि 1900 के लेवल के आसपास रिलायंस का प्राइस अगर आता है तो बेझिझक बाई करें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर रिलायंस 2212 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो भी आप बेझिझक बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी करंट मार्केट प्राइस पर अगर आप बाई करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ से रिलायंस का प्राइस नीचे घूम जाए और आपको कुछ दिनों के लिए लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अब चलिए उस लेवल की बात करते हैं जिस लेवल पर रिलायंस को बेच करके मुनाफा कमाया जाए। तो दोस्तों ये 2600 का लेवल आप देख रहे हैं, ये वो लेवल है जहां पर रिलायंस को बेच करके प्रॉफिट घर लेकर जाया जा सकता है। यानी कि अगर रिलायंस में एंट्री कर दी आपने जिस लेवल को मैंने बताया, तो उस लेवल के बाद जो आपका पहला प्रॉफिट मेकिंग लेवल बनता है वो बनता है 2600। यानी कि 2600 के आसपास हो सकता है कि रिलायंस में एक थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखी जा सकती है। तो वहाँ पर अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि पार्शल प्रॉफिट बुक करें तो वो भी वहाँ पर पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो 2600 का लेवल था प्रॉफिट बुकिंग लेवल और जो बाइंग लेवल था वो 1900 का था। और अभी फ़िलहाल एंट्री से बचें और कोशिश करें कि जो मैंने लेवल्स बताए हैं उस लेवल्स के आसपास ही एंट्री करें। 2200 के ऊपर अगर रिलायंस क्लोजिंग देता है तो बेझिझक एंट्री कर जाएं, और अगर 2200 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देता है, वापस नीचे की तरफ घूम जाता है, तो 1900 के आसपास रिलायंस आपको मिल सकता है। तो 1900 के आसपास आप रिलायंस को बाई कर सकते हैं। 1900 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है रिलायंस के लिए, यहाँ से ये वापस बाउंस बैक करने की बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको जो भी लेवल्स बताए, आशा करता हूँ कि ये सारे लेवल्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, हेल्पफुल रहेंगे आगे आने वाले समय के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें, अपने दोस्तों सहयोगियों और रिश्तेदारों के बीच में से शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल बटन दबा दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को लगातार मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक धन्यवाद।